झारखंड में पंचायतों का विकास बाधित ना हो इसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर से 6 महीने के बढ़ाने को लेकर कयास चल रहे हैं। दरअसल कोविड काल के दौरान पिछले बार भी 6 महीने के लिए पंचायत चुनाव जो थे उसकी अवधि बढ़ाई गई थी और एक बार फिर से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने साफ तौर पे संकेत दिए हैं कि जिस तरह से जुलाई में फिर से वो अवधि समाप्त हो रही है और उसको देखते हुए कोरोना काल भी है तो दिसंबर तक यानी कह सकते हैं कि 6 महीने का जो कार्यकाल है उसको फिर से एक बार बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर राज्य सरकार कहीं ना कहीं एक अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर रही है। इससे पहले भी अगर बात करें तो 2020 की अगर बात करें तो कोविड काल होने के वजह से चूँकि जनवरी में ये पंचायतों का जो चुनाव है उसकी अवधि समाप्त हो रही थी तो केंद्र सरकार की इजाज़त से 6 महीने की अवधि को विस्तार किया गया था और उसके बाद कोरोना संक्रमण का फिर से जब पीक आया अप्रैल और मई के महीने में तो इसको कहीं ना कहीं देखते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार की तरफ से ये संकेत आए हैं कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसे 6 महीना फिर से बढ़ाया जाएगा यानी कह सकते हैं कि दिसंबर के आसपास में ये चुनाव होने की संभावना है और इसको लेकर अध्यादेश लाने की भी तैयारी चल रही है। वहीं पंचायतों का विकास बाधित ना हो उसको लेकर भी कमेटी के हवाले ये जिम्मा दिया गया है कि पंचायतों में जिस तरह के विकास के जो कार्य होते हैं वो सुचारू रूप से चालू रहे। कैमरा पर्सन जैन के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।